This movie is encoded by Dr. Star. करने लोगों को बहकाने और उनका खून करने का इल्जाम है तो इन सारे इल्जामों के लिए हमारी जूरी ने तुम्हें मौत की सजा सुनाई है। यह हमारा आखिरी फैसला है। अपनी सफाई में तुम्हें कुछ कहना है? लोग बच्चे को मेरे पास लाओ। लॉक, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मेरी बच्ची को मुझसे दूर मत करो। एक रहूंगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस तरह उसे सजा देने से वो मर्दों के मन पर काबू करने की ताकत पा जाएगी। ये पूरा जंगलीपन है। आज तक किसी को 40 सालों के लिए देश से बाहर नहीं किया गया। वो सारे कानून किताबों में बंद हैं। तो क्या कहते हो इसे आजाद कर दें? नहीं, उसे एक कातिल की सजा दी जानी चाहिए, बस। तुम्हारे ख्यालात की इज्जत करता हूँ डॉक्टर गोड, लेकिन ये कानून तुम्हारे आयत से बाहर है। ये एक डायन बनकर रही है और डायन ही मरेगी। गोल्टी, अब तुम्हें अंधा बना दिया जाएगा और तुम्हारे मरने के बाद भी तुम किसी पर जादू नहीं कर सकोगी। तुम सब लोगों को चेतावनी दी जाती है। गोल्टी, संभालो मेरे दोस्त, मैं देखता हूं वो वहां ना जाने पाए। नहीं, मैं इस बच्ची को इसके मां के दोस्त को स्पष्ट कराना चाहता हूं, वहीं से सुकून मिलेगा। Thank you.
कहिए सर। मेरा अपॉइंटमेंट है गिनी लॉक से। अगर ऐसी बात है तो आप कृपया करके मेरे पीछे आए। माफ करना मुझे, कभी कभी मैं अपना चश्मा ही भूल जाता हूँ। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई सर। खैर, मैं ये जान सकता हूँ कि आपको मेरे बारे में कहाँ से और किससे पता चला? मुझे आपके पास डॉलर लिनो ने भेजा है। आई सी। आपके मरहूम पत्नी के फैमिली वालों ने बच्चे के नाम एक ट्रस्ट कायम किया है और उसके पैदा होने से पहले वसीयत के हिसाब से आपकी बेटी 18 साल की जब होगी तब वो सारी जायदाद की वारिस बन जाएगी। मैं जानता हूं 3 दिन बाद वो 18 साल की होगी। हाँ, 24 तारीख। मेरे पास कुछ कागजात हैं जिन पर आपके दस्तखत चाहिए। उससे पहले मैं चाहता हूं कि वो आप देख लें। क्या मैं तुम्हारी उम्र जान सकता हूं मिस्टर? मेरी उम्र 27 साल और मैं एक लायर हूं। माफ करना, मैं बिल्कुल ही भूल गया था। लेकिन सर, हिलमैन, इस आदमी को फौरन बाहर का रास्ता दिखाओ। आपको अगर मुझसे कोई भी बात करनी है तो इस बारे में मैं विचार करूंगा, समझ गए? सर, मेरी वजह से अगर आपको तकलीफ हुई हो तो। हिलमैन, यस, ये नौजवान अभी यहां से जा रहा है, क्या तुम इसे बाहर भेज दोगे? यस सर। मैं सारे कागजात टेबल पर छोड़ जा रहा हूं जिसपे दस्तखत चाहिए आपके। चलता हूं सर। वो तस्वीर रोनाल्ड की है? नहीं सर, अब ये जीवित नहीं है, मोरेला। खूबसूरत नौजवान है। हाँ, पर वो चाहता क्या था? इसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले चलकर अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। चलो। ये ज्योग्राफी, भूगोल, इन सब के बारे में पढ़ने से क्या फायदा जब मैं इन देशों में जा ही नहीं सकती? कोई और देश नहीं, स्पेन के बारे में पढ़ रही हो और हो सकता है तुम वहां जरूर जाओगी। वो कब? मुझे नहीं लगता कि वो दिन कभी भी आएगा। अगर तुम ऐसे ही बेफजूल की बातें करती रही तो तुम्हें कौन नौजवान पसंद करेगा? रुको। Here. ये मैंने तुम्हारे जन्मदिन के लिए रखा था, पर अगर ये तुम्हें खुशी देता है तो तुम इसे खोल सकती हो। मेरे लिए? क्या है ये? ये जानने के लिए तुम्हें इसे खोलना पड़ेगा। ये तो बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया मिस डेब्रा। कैसा लगता है? लवली। तो आत्मा के बारे में आपको क्या ख्याल है डॉक्टर? डॉक्टर होने के नाते मैं इन सब बातों में खास बिलीव नहीं करता हूँ, फिर भी मैं यकीन से कह नहीं सकता कुछ। मुझे आत्मा का श्राप है। ये आपकी दवा मिस्टर लोग। दवा किस लिए? हाँ, नींद के लिए इन्हें दवा लेनी पड़ती है। ये बात है। अगर आपको मुझसे और कोई काम ना हो तो मैं जाकर सो सकती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट।
रात बहुत हो चुकी है, मुझे लगता है हमें घर चलना चाहिए। ओ, क्या मैं कुछ और देर प्रैक्टिस नहीं कर सकती? तुमने काफी प्रैक्टिस कर ली, अपने पिता से कहो और घर चलो। गुड नाइट पिताजी, आज का संगीत मैंने सिर्फ आपके लिए बजाया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वाकई बहुत अच्छा था। गुड नाइट माय डियर। गुड नाइट सर। स्लीप वेल बेबी। मैं चलूं? जरूर। मैं कह सकता हूं कि मिस देवरा का यहां पर पूरा कंट्रोल है। हाँ, वो एक गवर्नर से भी ज्यादा है यहां पर। काफी समय से सारे कामों के लिए मैं उनके ऊपर डिपेंड हूँ। कुछ अजीबोगरीब हलचल वो मुझे याद दिलाती है। मोरेला, हाँ, जब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था, उनकी आंखें निकाली गई थी, बहुत दर्दनाक था वो। चौदह जून मेरी मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत औरत से हुई। उसका नाम था मोरेला लुसिया। उसके घर वालों के बारे में जाने बगैर ही मैं उससे बहुत करीब हो गया। वो मुझे अच्छी लगने लगी। इक्कीस नवंबर मेरी नई पत्नी मोरेला को अजीब तरह के लेख में दिलचस्पी होने लगी। वो एक जिंदगी मौत के बाद, और वो उसी को लिखने में हमेशा खोई रहती थी, शायद इसलिए कि वो हमेशा बीमार रहती थी। लेकिन अचानक मुझे लगा कि उसकी कल्पना सच्चाई में बदल रही है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा। 24 सितंबर मोरेला लगभग मर चुकी थी जब उसने बच्ची को जन्म दिया। बच्ची हर तरह से तंदुरुस्त थी। उस बच्ची की आंखें बिल्कुल अपनी मां जैसी थी। डॉक्टर गोड ने कह दिया था कि मोरेला कुछ ही महीनों की मेहमान है। जब मैं बिजनेस के सिलसिले शहर से बाहर गया, तब मोरेला ने अपनी कल्पनाओं को सच साबित करने में लग गई अपने कुछ अनजान भक्तों के साथ, और उसे एहसास होने लगा कि वो अमर आत्मा बनने जा रही है। जिसके लिए उसका पहला कदम था अपने घर की नौकरानी का खून। She prepared to invoke the powers of darkness. Ah.
अपनी इच्छाओं की मंजिल का आखिरी हिस्सा था शमशान घाट। बदकिस्मती से मैं जब घर आया तो देखा कि नौकरानी का फोन हो चुका है। अब मोरेल्ला अपनी बच्ची को आग के हवाले करना चाहती थी। उसी वक्त में वहां जा पहुंचा और बच्ची को बचा लिया और सब परमेश्वर की कृपा थी। बच्ची बच गई। पता भी नहीं चला तुम अंदर आ गई। तुम्हें पता ना चले इसलिए मैं दबे पांव अंदर आ गई। अच्छा लग रहा है। लगता है तुम आज बहुत थक गई हो। तुम्हें आराम की जरूरत है। नहीं आज नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस अकेली रहना चाहती हूँ। तुम जानती हो कि मुझे नोआ को तैयार करना है। मैं समझती हूँ। मेरा क्या होगा? मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। तुम्हें जल्द अपने पास बुलाऊंगी। जागो मेरी जान, मौत के बिस्तर से उठो मेरी जान, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जागो, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। जागो मेरी जान। डेब्रा, जागो हो, मेरे पास आओ। मैंने तुम्हारे लिए एक शरीर ढूंढ लिया है। जागो। मैंने तुम्हारे लिए एक शरीर ढूंढ लिया है। मेरे पास आओ।
मैंने तुम्हारे लिए एक शरीर ढूंढ लिया है। मेरे पास आओ। मेरे पास आओ। मेरे पास आओ। इतनी रात गए यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या हुआ पिताजी? मैं यहाँ कैसे आ गई? यानी तुम्हें कुछ भी याद नहीं? मैं गहरी नींद में थी और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पुकारा और मैं यहाँ चली आई। वो कौन है? क्या मैं नींद में चल रही थी? हाँ, और तुमने क्या क्या किया? मैं तो बस सोने से पहले आपकी डायरी पढ़ रही थी। मेरी डायरी? तुम्हें मेरी डायरी कहाँ मिली? मेरे बिस्तर पर, आप ही छोड़ गए थे। तुम्हें उसे नहीं छूना चाहिए था। अब इस घर में जरूर जरूर कुछ होने वाला है। आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं सावधान रहती। अब इन बातों को छोड़ो, हम सुबह बात करेंगे। ये क्या है? वसीयत के असली कागजात हैं जिस पर वो मेरे दस्तखत चाहते हैं। ओ, ये लैंग्वेज मेरे समझ में नहीं आ रही। इसकी कोई जरूरत नहीं, डॉक्टर गोट आएंगे तो सारे मामले को समझा देंगे। पिताजी, मैं 18 साल की हो गई हूँ, आपको नहीं लगता कि मैं अपना निर्णय खुद ले सकती हूँ? ले सकती हूँ, पर मुझे लगता है कि हमें उस गांव की जमीन जायदाद की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी तुम्हारी माँ की वजह से मुझे वहां बहुत सहन करना पड़ा। माँ की वजह से? उस बात को तो 17 साल हो गए हैं। तुम बड़ी हो गई हो, मैं जानता हूं, लेकिन अभी भी फैसले तुम्हें लेने के अधिकार नहीं है। वेल, अब जो भी सोचे, 2 दिन बाद मैं बालिग हो जाऊंगी और फिर मैं जहां चाहूं जा सकती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? ठीक है, आप ऐसा ही सोच लीजिए। मिस्टर शेवलर, बोलिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं?
मैं मिस डेबरा लॉक हूँ और मैं मिस्टर लू के यहाँ गवर्नेस हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, प्लीज बैठिए ना। मैं उस वसीयत के बारे में जानना चाहती जो आपने बनाई थी। वसीयत तो मेरे पिताजी ने बनाई थी। ओह, मेरे दिमाग में कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आप सिर्फ कहिए मिस लॉक, मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, तो दोपहर को घर आ जाइए। मिस्टर लॉक ने साफ साफ बता दिया है कि मेरा वहां आना मना है। मिस्टर शैवलियर, आपको समझना चाहिए कि मिस्टर लूक अपनी बीवी के देहांत के बाद बहुत तकलीफ में हैं। मुझे ख्याल है तो सिर्फ उनकी बेटी का, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी इसमें मदद करें। वैसे आप ही बताइए हम कहाँ मिल सकते हैं। आज नोआ को मैं पढ़ाने के लिए झील के किनारे ले जाऊंगी। कागजात मेरे पास ही हैं। आप दोपहर को वहां पहुंच जाइएगा। अब मुझे चलना चाहिए। तो दोपहर को मिलते हैं मिस्टर शैवलियर। स्पेन बहुत ही खूबसूरत देश है। उसके तीन ओर पानी है और वो फ्रांस के पास है। उसकी कैपिटल बर्लिन है और वो एक पहाड़ी इलाका है। मिस्टर शैवलिया, आप यहाँ? मैं आपको मिलाती हूँ मिस नोआ लुक से। आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी है मिस लॉक। शुक्रिया। हम अपनी पढ़ाई कल कर सकते हैं। तुम मिस्टर शैवलिया के साथ कुछ बात करना चाहती हो ना? या आज दिन कितना सुहाना है नोआ, तुम क्यों ना मिस्टर शैवलिया के साथ घूमने चली जाओ। वहाँ उस तरफ बहुत खूबसूरत जगह है। आप हमारे साथ नहीं आएंगी? नहीं शुक्रिया, मैं यही रहना चाहूंगी। आप मेरे साथ आना पसंद करेंगे मिस लॉक? जी हाँ जरूर। वैसे वसीयत के हिसाब से सब कुछ आपका हो जाएगा, तो आगे क्या इरादा है मिस लॉक? कहीं बाहर जाने का तो नहीं ना? हाँ, मुझे घूमना पसंद है, खासकर उन जगहों में जिनके बारे में मैंने सिर्फ पढ़ा है। मैं भी एक दिन सारी दुनिया घूमना चाहता हूँ। मैं कैम्ब्रिज जाकर वहाँ पढ़ाई करना चाहता हूँ। क्या आप बॉस्टन गए हैं? कभी मौका नहीं मिला। मैं तो हमेशा कानून की किताबों में घुसा रहता हूँ। मुझे भी बहुत तमन्ना होती है घूमने की। अपने बचपन के बारे में बताइए, जब आप छोटे थे। जब मैं छोटा था, मतलब बच्चा, अब तो लंबा हो चुका हूँ, लेकिन हालात सब कुछ वैसे के वैसे हैं। तो आप बिल्कुल बदले नहीं? बहुत कम। लड़कियों के बारे में आपका क्या ख्याल है? उनमें आपको दिलचस्पी है? थोड़ी बहुत, पर आपकी बात तो कुछ और है। ये बहुत अजीब जगह है, मैं यहाँ पहले कभी नहीं आई हूँ। घबराओ नहीं, मैं भी पहली बार आ रहा हूँ, साथ में मैं हूँ ना। पर मैंने सुना है यहाँ भूत प्रेत मौजूद हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? हाँ, जब मैं 10 साल का था उसी वक्त यहाँ आ गया था। डर तो लगता था जब बच्चा था। पर यह जगह कितनी सुनसान और शांत है। पर आप साथ हैं तो मुझे कोई डर नहीं। अब आपको वापस जाना चाहिए। मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे आपका साथ कितना पसंद आया। मैं चाहती हूँ ये सिलसिला चलता रहे, जो कभी खत्म नहीं होगा। माफ कीजिए, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। क्या मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए? चलिए मैं आपको वापस ले चलता हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी, वैसे भी मैं यहाँ कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। आपको डर नहीं लगेगा ना? नहीं लगेगा।
कल मैं आपसे फिर मिल लूंगा। मैं इंतजार करूंगी। चलता हूं मिस लॉक। तुम्हें ये देखना पड़ेगा। देखो तुम्हारे पिता ने और लोगों ने इसके साथ क्या किया। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना। रुको, ये तुम्हारी माँ है। क्या तुम इसे महसूस नहीं कर सकते? इसका खून तुम्हारे रगों में दौड़ रहा है। तुम्हें इसका बदला लेना होगा। तुम्हें इसकी मदद करनी होगी नुआ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कह रहे हो? रुको नुआ, तुम्हें सुनना होगा। अपनी माँ की आंखों में देखो। वापसी मुबारक हो मोरेला। कितने साल हो गए? 17 साल। ये नुआ का शरीर है ना? हाँ, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। वो बिल्कुल मेरी जैसी है। मैं जानती हूँ मोरेला, अब तुम इस शरीर में रहकर अपना बदला उन सब लोगों से ले सकती हो। डेबरा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हें जरूर इसका इनाम मिलेगा। शुक्रिया मोरेला, मैं जानती हूँ मुझे इनाम मिलेगा और मुझे तुम्हारा साथ देना होगा बदला लेने के लिए और तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए भी। मोरेला, मैं कमजोर पड़ रही हूँ। नोआ बहुत ताकतवर है, मुझे नहीं लगता मैं इससे मुकाबला कर पाऊंगी। कब तक रह पाऊंगी इसमें? मैं नहीं जानती, पर मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर रह पाऊंगी। नोआ की आत्मा को किसी सुरक्षित जगह रखना होगा। पर कहां? My remains. और ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। मिस डेबरा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं,
तुम्हें आराम करना चाहिए। क्या हुआ था? मुझे तुम कब्रिस्तान के पास मिली, वहां पे तुम बेहोश पड़ी हुई थी। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? नहीं। शायद तुम पहले कभी कब्रिस्तान नहीं गई, इसलिए डर के मारे तुम बेहोश हो गई होगी। तुम बहुत थक गई हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं चलती हूं। आप जा रही हैं? तुम सो जाओ, मुझे और बहुत से काम है करने के लिए। प्लेजेंट ड्रीम्स नोआ। तो आ जाओ बेबी, खेलते हैं। मैक, ये खेलने का वक्त नहीं है। ये सब हम कर सकते हैं जब हमारी शादी हो जाएगी, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं कर रहा, फिर जा क्यों नहीं हो? मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, मुझे पहले ही देरी हो गई है। मुझे जाकर अपना काम भी तो देखना है ना। कभी कभी मेरा भी तो ख्याल रखा करो। तो कल मिलेंगे? हाँ, मुझे जाना है। गुड नाइट मेलो। Thank you.
मोरेला। ओ शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। गुड इवनिंग मिस्टर शेरियाल। मुझे भी, लड़का हुआ कि लड़की हुई है? हाँ जुड़वा, बस किस्मत ये है कि इस मामले में फीस दुगनी नहीं होती। आज सुबह जल्दी निकल रहे हो? हाँ। जब कोई नौजवान लड़का सुबह घर से जल्दी निकले तो इसका दो ही कारण हो सकता है, या तो वो प्यार में है या तो और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। नौजवान, मैं तुम्हें वैसे आगाह करना चाहूंगा क्योंकि जिस घर में तुम जिस लड़की से मिलने के लिए जा रहे हो वहां जरूर कोई ना कोई गड़बड़ होती रहती है, अनहोनी। अपना ख्याल रखना। मुझे डर है कि इस वक्त मैं अपने डॉक्टर की सलाह नहीं मानूंगा। खुदा हाफिज डॉक्टर गोट्स। खुदा हाफिज मेरे दोस्त। तुम इतनी संजीदा क्यों हो? कोई प्रॉब्लम? नहीं, कुछ खास नहीं। क्या तुम्हें कभी कुछ ऐसा लगा हो जैसे तुमने कुछ किया हो पर असल में वो तुम नहीं हो? मैं समझा नहीं। मैं भी समझी नहीं। पिछली रात मैंने अपनी माँ का शरीर देखा, फिर मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कुछ हो रहा हो। मैं ठीक से कुछ समझ नहीं पाई, ऐसा लगता है जैसे कोई सपना हो। हो सकता है सपना ही हो। हो सकता है सपना ही हो, पर उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर कोई आत्मा चली गई हो और वो मुझ पर कब्जा करना चाहती हो। तुमने हो ना हो बुरा सपना देखा है, आइंदा उसके बारे में सोचना नहीं, समझ गई? हाँ ठीक है, पर क्या कोई ऐसा नहीं जो मेरी बातों को समझ सकता हो? चलो हम भूल जाएंगे। चलो लगता है जैसे सालों से यहाँ सफाई नहीं की गई हो। लगता है कोई यहाँ रहता है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। यहाँ जो रहता था वो कोरस में गाना गाता था और वो बहुत ही हैंडसम था, पर वो अचानक कहीं चला गया और समझ नहीं पाए क्यों। समझने में देर लगेगी। सुनो। क्या है? उम्मीद है मैंने जो भी पहले कहा वो तुम भूल गए होगे। क्या बोलना चाहती हो? नहीं, मेरा मतलब है मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे बहुत गर्मी महसूस हो रही है। शांत हो जाओ। मैं हमेशा ये महसूस करती हूँ जैसे तुम्हारे हाथ मेरे जिस्म को छू रहे हो। तुम्हें कैसा लगता है? बहुत खूबसूरत। मैं अपने ख्याल को हकीकत में बदलना चाहती हूँ।
माफ कीजिएगा सर, आपसे कोई नौजवान लड़का मिलना चाहता है। अच्छा, नाम क्या है उसका? इयान ब्लैक स्मिथ, देड़ियन का असिस्टेंट। ठीक है, भेज दो। मिस्टर लॉक, मैं हूं गिडियन लैक, तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? मैं खूबसूरत नोरा नोवा के बारे में बात करना चाहता हूं। अच्छा, तो क्या तुम उसे शादी करना चाहते हो? ओ जरूर सर, वो मुझसे प्यार करती है। कल रात वो मेरे साथ थी और उसने कहा कि वो आपके यहाँ काम करती है और यहीं आई थी, लेकिन तुमने कहा कि वो मेरे यहाँ काम करती है। जी सर, उसका नाम सिकेरा है, वो नौकरानी है। मुझे इस बात का डर है कि उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं। सर, माफ करना, मैं कभी कभी ऐसे ही कहीं अपने ख्यालों में खो जाता हूं। और मैं तुम जाओ उसे खोजो। शुक्रिया, आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहूंगा, मैं चलता हूं। आपके कहे अनुसार मैंने टाइम टाइम पर सारी दवाइयाँ उनको दी हैं। जी हाँ, वो कौन था जो अभी अभी यहाँ से गया? इसी गांव का लड़का है, वो कह रहा था कि कल रात से सिकेरा कहीं गुम हो गई है। तो क्या वो यहाँ पहले भी आता था? जी हाँ, वो सिकेरा के बहुत करीब था, वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। आप बता सकती हैं सिकेरा कहाँ गई? मैं कुछ नहीं जानती, पिछली बार जब मैंने पूछा तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी, मैंने देखा वो वहां आया था। क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम दोनों वहां क्या कर रहे थे? मुझे तुम्हारे सवाल पसंद नहीं, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरा पीछा करे। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। या नहीं, आज रात झील के पास 10 बजे मैं वहां पहुंच जाऊंगी। नोवा। जी हाँ पिताजी। तुम कहाँ गई थी, इतनी रात गए? मुझे वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। तुम्हें वक्त का ख्याल रखना चाहिए। आपको वक्त का कब से अंदाजा होने लगा, जो हमेशा घबराया अंधेरे में ही छुपा रहता है? नोवा, तुम समझने की कोशिश। आपको डर है कि मैं माँ जैसी बन जाऊंगी? ये मेरी अपनी जिंदगी है, अपने डर से बाहर निकल के देखिए। मैं उनकी तरह कभी नहीं बनना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी हिफाजत जो करनी है। अपनी बीवी की तो हिफाजत नहीं कर पाए। हे प्रभु, वही आवाज। आपको मुझ में वही दिखते हैं, क्योंकि मैं उन्हीं की बेटी हूं। मेरी फिक्र छोड़िए। मोरेला, मोरेला।
पास आओ, आ जाओ मेरे पास, आओ बुआ आ जाओ। बेटी खोलो, दरवाजे को खोलो। ये सुन ले, दरवाजे खोलो, खोलो, मत जाओ। मेरे पास आओ, आ जाओ मेरे पास, आओ नुआ आ जाओ। जादू मंत्र करने, लोगों को बहकाने और उनका खून करने का इल्जाम, तो इन सारे इल्जामों के लिए हमारी जूरी ने तुम्हें मौत की सजा सुनाई है। पिताजी, दरअसल मेरा असली रूप क्या है लोग नहीं जानते। नहीं। ये मैंने तुम्हारे जन्मदिन के लिए रखा था, पर अगर ये तुम्हारे चेहरे पर खुशी ला सकता है तो इसे खोलो। ये क्या है? ये जानने के लिए तुम्हें इसे खोलना पड़ेगा। Sikira,
मैं तकलीफ में हूँ, मेरे पास आओ। सिर्फ एक और शरीर मुरैला, फिर तुम आजाद हो जाओगी। मैंने अच्छा फैसला लिया कि आपसे मिलने आ गया। मैं समझ सकता हूँ कि मिस्टर डेब्रू ने तुम्हारी, मेरी और नोवा की मीटिंग क्यों कराई। सर, मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम मेरी बातों से इनकार नहीं कर सकते मिस्टर, क्योंकि मैं अंधा जरूर हूँ लेकिन अकल का अंधा नहीं। आपसे एक बात कहूँ सर, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, तो फिर तुम उसे फौरन यहाँ से ले जाओ। लेकिन कुछ दिन पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब की बात मैं दिल से कह रहा हूँ। मुझे अफसोस है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नोवा बहुत ही खूबसूरत है, दिल की बहुत अच्छी है। उसकी माँ मोंटेला अपने जमाने में बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन उसके साथ जो हश्र हुआ वो बहुत ही ना भूलने वाला एक किस्सा है। उसको सूली पे चढ़ा दिया गया, उसकी आंखें फोड़ दी गईं। जब मैं छोटा था तो ऐसी कहानियां सुना था। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वो वापस आएगी, और मुझे डर है कि कहीं वो नोवा के शरीर में ही वापस लौटने की कोशिश ना करे। इसी बात का डर है मुझे।
लगता है आपको भी यकीन नहीं है। मोरेला मौत से वापस आ गई है। कल रात इसी जगह उसने मुझसे बात की और वो भी नोवा के शरीर में। वो नोवा के शरीर में आ चुकी है। तुम शायद मुझे पागल समझोगी लेकिन ये एक हकीकत है। हो सके तो मेरी बच्ची को बचा लो। आपकी बेटी कहाँ है अब? वो सुबह घर से बाहर निकल गई और अभी तक वापस नहीं लौटी। अब मैं कहाँ कहाँ उसे जाकर ढूंढू, समझ नहीं आ रहा है मुझे। मैं ढूंढता हूँ। हाँ, अगर वो तुम्हें वापस मिल जाए तो तुम उसे गांव वापस ले जाना और वहाँ रेवरेंट और डॉक्टर गोड को ढूंढना। वो इस समस्या का समाधान जरूर कर सकते हैं, इसका मुझे यकीन है। इस मामले में आपकी बेटी से बात करूंगा। हाँ शुक्रिया। तुम ही एक ऐसे हो जिस पर मैं यकीन कर सकता हूँ क्योंकि क्रिस्टो भी यहाँ से गायब हो चुका है। गायब हो गया? हाँ। 17 साल पहले बीती अनहोनी को पूरा करने की कोशिश करूं। लॉरेल, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, क्या बात है? ये बताना मुश्किल है, लगता है तुम्हारे पिता अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। नहीं ऐसा नहीं है। सुनो, तुम्हारे पिता समझते हैं कि तुम्हारी माँ कब्र से वापस आएगी। मैं डॉक्टर गोड को लाने जा रहा हूँ। फिर तो मुझे उनके साथ रहना होगा। बेहतर होगा कि तुम घर से दूर रहो जब तक कि डॉक्टर उनकी अच्छी तरह जांच कर ले। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी जब तक तुम डॉक्टर को लेकर यहाँ नहीं आ जाते। कहाँ? वो वहाँ उस पहाड़ी पर, मैं वहाँ महफूज रहूंगी। I love you. के अंगों की जांच यही बताती है कि इसे इत्मीनान से काटा गया है, पूरे इत्मीनान के साथ। डोरियन घर से गायब है, हो सकता उसी ने किया हो। मैं तो कह नहीं सकता, लेकिन एक ऐसा केस है जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा, एक अजीबो गरीब केस। हाँ, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि आज से 17 साल पहले मोरल लॉक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। डॉक्टर, आप भी इन बातों पर यकीन रखते हैं? क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता चला है? कुछ दिन पहले मैंने उस लड़की में निराशा देखी थी डॉक्टर गोल। वही निराशा लॉक में थी जब उसकी पत्नी मारी गई थी। अगर वो निराशा तुमने उस लड़की में देखी है तो हो सकता है कि मोरेला जिंदा हो गई हो। हो सकता है डॉक्टर, तुम सच कह रहे हो। क्या मैं कुछ समझा नहीं? कुछ भी समझाने का समय नहीं है, तुम्हारे दोस्त की चिंता है तो तुम फोन चले आओ। अरे सुनो तो, बहुत Thank you.
कितनी बड़ी हो गई हो और खूबसूरत भी। नहीं, तुम मर गई थी, वो कुछ देर के लिए ही था। अब मैं जिंदा हो गई हूँ और अमर भी हो गई हूँ, और अब मैं तुम्हारे पिता से बहुत जल्द बदला लूंगी। तुम्हें कैसे पता चला? तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, तुम्हें अपनी तरह अमर बनाना चाहती हूँ। जरा सोचो, सारी दुनिया मर जाएगी, सालों साल बीत जाएंगे, पर हम दोनों अमर होकर राज करेंगे। नहीं, तुम मुझे मानना चाहती हो? ये मौत नहीं है बेटी, ये एक कुर्बानी है। आज रात हम दोनों इस दुनिया से उठकर अमर हो जाएंगे। नहीं नहीं, तुम ये नहीं कर सकती। शैवलियर, सिर्फ मेरी हो। गुरुरा, गुरुलोक। जिसे तुम चाहती हो वो मैं हूं। पिताजी, तो आखिरकार तुम आ ही गए मेरे पति देव। मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे, और ये भी जानती थी कि नोआ ही तुम्हें यहाँ लेकर आएगी। लेकिन अब तुम्हारा उसके ऊपर कोई हक नहीं। गलत ख्याल है, नोरा मेरी है और मेरी ही बनकर रहेगी। नोआ, नोरा, हमें फौरन ये जगह छोड़नी होगी। अपनी जान के लिए प्रार्थना करो। तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। सही कहा, लेकिन जरा उन पुरानी बातों को भूलकर अपने जज्बात और मेरे जज्बात को समझने की कोशिश करो। तो ठीक है, मैं वो पुरानी बातें भूल जाऊंगी, तुम मेरी इच्छा पूरी करो। मेरी आत्मा को एक शरीर की जरूरत है, और वो जरूरत तुम पूरी करोगे। ठीक है, हम हमेशा एक साथ मिलेंगे, हमेशा हमेशा। Okay.
रखना चाहती हूँ, मैं याद रखना चाहती हूँ। वो मर नहीं सकती, वो तो अमर आत्मा है। This movie is encoded by Dr. Star.